वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम सभी को हैप्पी दशहरा। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ दशहरा पूजा के लिए। और अब देखते हैं हमने क्या क्या तैयारी करनी है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रावण बना रखा है। ये रावण है, उसकी 10 सिर है। मतलब सिर आपको लग रहा है मिट्टी के बना रखे? नहीं 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 नहीं, ये गोबर के सिर, गोबर। और ये उसका मुकुट है, उसने ढाल लेके वार करने के लिए, वार करने के लिए। और ये उसका शायद कवच है शायद, मुझे पता नहीं, ये सब मुझे नहीं पता। और ये तलवार है, इसके पैर देखिए, रावण कितना बड़ा पैर, देखिए कितने बड़े बड़े पैर है, इतने बड़े बड़े पैर। और लक्ष्मण जी राम जी देखिए, मेरे मुझे आज से समझ में आया कि लक्ष्मण जी कौन है, राम जी कौन है। और एक बात बताऊँ, आज तक क्या मुझे पहली बार पता चला लक्ष्मी जी राम जी बन रहे हैं इसमें। मैंने तो आज से देखने से ही नोटिस भी नहीं करा, हर साल बनते हैं, मैंने मैंने नोटिस भी नहीं करा लक्ष्मी जी और राम जी को। नहीं मतलब इतने सालों से बता रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं होगा। और अब थोड़ी देर में इसकी पूजा, आप सोच रहे होंगे मैं छत पे क्यों आ गई हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे फूल दिख रहे होंगे, ये देखिए मैं काट लूँ क्योंकि अब वहाँ अब पूजा करेंगे ना, तो पूजा के लिए हम फूल, ये हम अपनी छत से काट रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ना ये फूल, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सा बहुत बड़ा फूल है ये। काटना तो मुझे आ रहा ना, तो सही बताऊँ तो आप, ये मुझे बहुत, जब ये टोकरी में ही गिर रहे थे ना, बहुत मजा आ रहा है ऐसे, तो जब बिल्कुल टोकरी में ही गिर रहे थे, जब गिर रहे थे तब इतना अच्छा लग रहा, पर लेकिन जब ये टोकरी में ऐसे गिर रहे थे ना, मतलब इतना सेटिस्फाइंग था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए फुदक फुदक के आ रहे हैं, कहाँ चल रहा है। अब हम गुलाब के फूल को तोड़ लेते हैं, दो गुलाब के फूल तोड़ेंगे। उस वाले पे मकड़ी बैठ रखी है, इसलिए मैं वो वाला नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मकड़ी बैठ रखी है। कब मकड़ी ने मेरे ऊपर जाला बना दिया और मैं कह रही बचाओ मुझे, और जाला बन गया मेरे ऊपर। एक फूल हमें यहाँ से मिलते गुलाब का, दो ही फूल ठीक है, वरना ये सूख गए हैं, कल पर सूख गए होंगे ना, तो जल जाते हैं फूल, थोड़े सूख जाते हैं, जल जाते हैं। और अब हम सदाबहार भी ले लेते हैं, ठीक है सदाबहार, ये तो काफी सारे ले लेते हैं। चलिए बस बहुत हो गया हमारी पूजा के लिए, ज़्यादा पूजा में फूल इस्तेमाल नहीं आते। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी थाली है पूजा की, जब पूजा करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा दिन है। देखिए ये चावल है, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए हैं, हम नॉर्थ जोन में आए हैं। सबसे पहले हम गंगा जल डाल लेते हैं, एक एक में डालेंगे हम, पहले एक गमले में डालते थे कि हमने नॉर्थ जोन में, फिर दूसरे नॉर्थ जोन में डालेंगे हम गंगा जल। देखिए मैम, ये मैंने दूसरे वाले में भी डाल दिया, अब मैं किसी सिक्का डालूँगी, पता नहीं डाल दिया सिक्का, और अभी मैंने नौते तोड़ लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है, ये सारे नौते हैं, ये पूजा में करता है, मैं आपको बताया था रावण वगैरह सब बारे में, तो ये हमारी पूजा हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम आज दशहरा तो रावण वगैरह का बहन भी देखने चलना है, चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम घूम रहे हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हम भी पहुँच चुके हैं, ये रहा रावण। फ्रेंड्स देखिए सब, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पापड़ खाना बहुत पसंद है, देखिए मैं कितने मज़े से खा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, रावण को थोड़ा ढंग से देख रही थी, इतनी हार रही थी उसे, ये देखिए रावण।
और देखिए यहाँ पे कॉटन कैंडी कितनी सारी लग रही है, बड़ी मुझे कॉटन कैंडी खाना पसंद है, इसे मैं ली। और देखिए फायर क्रैकर्स, मुझे फायर क्रैकर्स देखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब ये ऐसे फट से फट जाते ना मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए लगातार जो पहले वाला फटा था वो तो, हाँ ये वाला, इसमें तो मज़ा ही आ गया था। ये देखिए मार्केट में आकी, ये हमने यहाँ पे मतलब खाया वगैरह कुछ नहीं, हमें ऐसे मन भी नहीं था तो बस हमने पॉपकॉर्न और खाया। और अब हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाया और अब हम देखिए फ्रेंड्स मैं होटल में एंट्री कर रही हूँ। हेलो, देखिए मैं वो सूप बड़ा मतलब मजा आ गया। देखिए और फिर मैंने खाना खाया, खाने में पनीर था, प्याज थे और दाल मखनी और वो था बटन। अब मेरे को ना क्या आपको भी अच्छा लगता है मतलब क्या बोलते हैं इसे हैंड बाउल, हाँ मैं इसका ब्लू बड़े गंदे तरीके से हाल बना के आती। और फिर हम बस हम घर जा रहे थे, देखिए फ्रेंड्स ये घर जाते हुए रास्ता है। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, देखिए और अगर आपको भी समझ में आता है कमेंट करके बताइए क्या डला हुआ। कैसी लगी? अब मैं आपको खाने वाली हूँ एक मजेदार चीज। वो अंकल ना बड़े मजेदार थे इस मामले में, बताओ क्या कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड, टूटने का कोई डर नहीं, खोने का कोई गम नहीं। ये देखिए मैं, यह है हमारी 24 कैरेट गोल्ड तलवार। आप पता है कितने की आई है? कितने की आई पता भी आपको? 4000 की। 24 कैरेट गोल्ड के नाम पे ना तो हमारे को लूट ही लिया। बस मजाक कर रही हूँ, पर नहीं शायद 40 रुपए कैरेट 40 सिंह से लेके ऐसी लग रही है। मैं 2 कैरेट गोल्ड 2 कैरेट गोल्ड देखिए। और मैं ना मैं आपको दिखाया था ना होटल में गई थी, अब वहाँ से कुछ लाई हूँ वो, अब आप देखना मेरे साथ में क्या लाई हूँ। अरे हाँ मैं एक चीज सब खाने भूल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है मेरा छोटू सा रैबिट। अब ऐसे ही हूँ चुप चुप चुप, मेरा इतनी चलते हैं
गए। अब बिल्डिंग में बस गैजेट तो है तो वो एप्पल से काम चला लेगा। नम 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 खा लिया। तो अब इसका मैंने नाम रखा बनी कि वो रैबिट है। तो मैंने बन कर दिया इसका नाम। अब मैं आपको होटल वाली कुछ चीजें खाने वाली थी, बहुत फनी है। क्या आप मेरे साथ देखना चाहते हो? अगर आपको पहले पता चले तो मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आपको अब तक नहीं पता चला तो मेरे साथ देख लीजिए मैं क्या दिखाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको मेरे हाथ में कुछ समझदार है? अगर आप समझ ही गए तो बहुत समझदार है। इस टिश्यू के अंदर पता है क्या है? इस टिश्यू के अंदर जो आप सभी ने काम करे होंगे। अगर आपने भी ये काम करे हैं तो कमेंट करके बताइए। मिश्री उठा के लाना नैपकिन में। बहुत बड़ा याद है क्या आपने भी ये काम करे हैं? मिश्री को उठा के लाना फोटो से तो मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कल के ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।